हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड छाया। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे शरीर में बदलाव आने लग जाते हैं, हमारी स्किन लूज होने लग जाती है, सर के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, बहुत बार कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। केवल सर के बाल ही सफ़ेद नहीं होते, आईब्रोज के बाल भी सफ़ेद होने लग जाते हैं, पलकों के बाल भी सफ़ेद होने लग जाते हैं। कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत बार ये जेनेटिक भी होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे खराब लाइफ स्टाइल की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। हम अपने सर के बाल तो डाई कर लेते हैं, पर अपने आईब्रोज के बाल भी हम डाई भी नहीं कर सकते। हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। एक दो बाल सफ़ेद होते हैं तो हम थ्रेडिंग करवाते समय उन्हें निकलवा देते हैं, जब बाल ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं तब हमें समझ में नहीं आता इसके लिए हम क्या करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नेचुरल रेमेडी लेके आई हूँ। यदि आप इसे रेगुलर लगाएंगे तो आपके आईब्रोज के बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वो होना रुक जाएंगे, और आपकी यदि आईब्रोज के बाल झड़ रहे हैं तो आपकी आईब्रोज घनी भी हो जाएंगी, उनका झड़ना भी कम हो जाएगा। इस रेमेडी जो मैं बता रही हूँ इसे आप पलकों पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ मैंने इसे बनाया कैसे है। इससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। फ्रेंड्स, आप लोगों का इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ मैंने इसे बनाया कैसे। हम लेंगे 8-10 बादाम, फिर इस तरह से किसी भी नुकीली चीज़ में लगाकर हम इसे गैस पर जलाएंगे। आप गैस पर भी जला सकते हैं, लाइटर पर भी जला सकते हैं, या दिए में भी जला सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट ही लगते हैं हमें ऐसा करने में। सारे बादामों को इस तरह से हमें जलाना है। बादाम बिल्कुल नेचुरल डाई की तरह काम करेगा, ये हमारी वाइट होती है आईब्रोज को धीरे धीरे ब्लैक कर देगा। देखिए, इस तरह से सारे बादाम को जलाना है हमें। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसका पाउडर बनाएंगे। इस तरह से पाउडर बना रही हूँ मैं इसका। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच अरंडी का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल हमारे आईब्रोज के बालों को घना करने में हेल्प करता है। आईब्रोज के बाल यदि आपके झड़ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आईब्रोज के बालों को काला भी करता है और आईब्रोज के बालों को घना करने में भी हेल्प करता है। इसे आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे हम रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी खाली कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। ये हमारी नेचुरल डाई तैयार हो गई। ये हमारे आईब्रोज के बालों को घना भी करेगी, काला भी करेगी। फ्रेंड्स, इसे हमें रात में सोने से पहले लगाना है अपनी पलकों पे। इतना बना लीजिए जो आप 8-10 दिन आराम से यूज़ कर पाएँ। थोड़ा सा लेना है, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, पर हम अपने आईब्रोज के बालों में इस तरह से लगाना है। फ्रेंड्स, इसे आपको रोज़ रात में सोने से पहले लगाना है। इतना बना लीजिए जो 10-15 दिन आपका आराम से चल जाए। इससे आपके बाल जो आईब्रोज के सफ़ेद हो रहे हैं वो प्रॉब्लम तो दूर होगी, आपकी आईब्रोज घनी भी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, पर आपको इसे रेगुलर लगाना होगा, तब आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। ये नेचुरल रेमेडी है, थोड़ा टाइम लेती हैं, पर इनका रिजल्ट 100% आता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए, इसके रिजल्ट को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।